आजकल हम लोग 22 तक देखे थे, 22 तक देखे थे हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट 23 नंबर है, यूनिट। यूनिट तो समझते होंगे, यूनिट क्या है जो जब यूनिट हमारा सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, कोई यूनिट हो। यूनिट क्या है? यूनिट कहते हैं इकाई। यूनिट क्या होता है? इकाई। जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल। ऐसे जनरली डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। लेकिन डिस्टेंस को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं? तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, माइल में। अगर वजन की बात करो, वेट की, तो उसको कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में, लीटर में। तो यूनिट होता है ना जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वह उसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। तो अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? यूनिट हो, कोई कोई यूनिट हो। और जनरली हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन करता है ना, ये जो यूनिट है ना, यूनिट तो कोई भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ को हम जिसमें मेजर करते हैं ना, वो यूनिट कहला जाता है उसका। तो यूनिट कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो एग्जाम क्वेश्चन करता है, यूनिट दो तरह का देता है। एक देखा यूनिट आपको डिस्टेंस का, यहाँ जो यूनिट रहेगा आपका, या तो वो डिस्टेंस का यूनिट रहेगा, या फिर आपको रुपी देखने को मिल जाएगा। रुपी, जिसको रुपया बोलते हैं, रुपी। या तो डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, माइल हो सकता है, इसको मील कहते हैं, माइल हो सकता है, ये सब डिस्टेंस का है। अगर अब फिर क्या हो गया? रुपी। यही दोनों से जनरली आपको एग्जाम क्वेश्चन करता है, यही दोनों यूनिट देता है आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में। तो अगर कोई यूनिट, यूनिट क्या हो गया, जिसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो क्या हो जाता है? उसका यूनिट हो जाता है। तो यूनिट क्या है कि अगर कोई यूनिट सब्जेक्ट हो, सेंटेंस का क्या हो? सब्जेक्ट हो। ये यूनिट क्या क्या हो सकता है? या तो डिस्टेंस का यूनिट हो सकता है, डिस्टेंस का ऐसे हो गया आपको मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, अगर इस तरह कोई यूनिट रहा, या फिर रुपी रहा। रुपी भी आ सकता है यहाँ पर यूनिट के रूप में। रुपी में किस चीज़ को मेजर करते हैं? हम लोग करेंसी को मेजर करते हैं रुपी में, यहाँ पर रुपी हो सकता है। तो उस केस में ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, ये सिंगुलर और प्लुरल कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर और प्लुरल कुछ भी हो सकता है। और जैसा रहेगा वैसा ही अपने साथ भर्व भी लेगा। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? यूनिट हो। तो यूनिट सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, और जैसा रहेगा वैसा क्या लेगा अपने साथ? भर्व लेगा। जैसे मीटर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए तो मीटर, यहाँ मीटर देखिए ध्यान से, मीटर क्या यहाँ पे सिंगुलर है। तो मीटर जब सिंगुलर यहाँ पे है, तो यहाँ भर्ब क्या हो गया? सिंगुलर, ये सही है। तो मीटर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, तो यहाँ देखिए माइल्स, माइल का पुडल क्या होता है? माइल्स। यहाँ पे देखिए माइल्स पुडल है, तो माइल्स पुडल, तो भर्ब क्या हो गया? पुडल हो गया। तो जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? यूनिट हो, तो यूनिट सिंगुलर, पुडल कुछ भी हो सकता है, जैसा रहेगा वैसा भर्ब लेगा। यूनिट जनरली आपको एग्जाम करता है क्वेश्चन कैसा? या तो डिस्टेंस का यूनिट देगा, या फिर आपके यहाँ रुपी देखने को मिल जाएगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको यूनिट पे। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको नोट कीजिए, पहले 23 नंबर नोट कीजिए। ये रहा यूनिट का केस। 34 नंबर देखिए, न्यूमरल। न्यूमरल कहते हैं नंबर को। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नंबर हो, इसको कहते हैं न्यूमरल। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, कोई नंबर हो, न्यूमरल हो, इसको न्यूमरल डाउन भी कर सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, न्यूमरल, न्यूमरल कहने का मतलब हो गया नंबर। अगर कहीं आपको न्यूमरल देखने को मिले, न्यूमरल क्या हो गया? नंबर। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सिर्फ नंबर हो, उसके बाद कुछ नहीं हो, सिर्फ क्या हो? नंबर हो, इसे हमेशा सिंगुलर मानते हैं। न्यूमरल को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर। अपने साथ भर भी कैसा लेता है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम 1 से 100 तक की बात करूँ, मैं अगर 1 से 100 तक की बात करूँ, इसमें बताइएगा 11 कितनी, 1 कितनी बार आएगा 1 से 100 तक में? 1 बार आएगा। अगला क्या हो जाएगा? 10, 11, एक ही बार आएगा। अगर मैं 1 से 100 तक में 2 की बात करूँ, तो 2 भी एक ही बार आएगा। अगर मैं 1 से 100 तक में 51 की बात करूँ, 51 की, तो वो भी एक ही बार आएगा। अगर मैं 1 से 10,000 तक जाऊँ, 10,000 तक जाऊँ अगर, तो इससे पूछूँ मैं कि
कि 900 कितनी बार आएगा, तो 901 ही बार आएगा। अगला क्या हो जाएगा, 901, 902, 903, यानी कोई भी नंबर जो है ना वो काउंटिंग में वो एक ही है, वो दो बार रिपीट नहीं करता, वो बस क्या है एक ही बार आता है, वो एक है। तो संख्या क्या है, कोई भी नंबर एक है। जब वो एक है इसलिए सिंगुलर क्या होता है, सही है, सिंगुलर होता है। जितना भी नंबर है आपको वन से, वन से इन्फिनिटी जाइए, वन से इन्फिनिटी जाइए आप, ये क्या होता है हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या है कोई भी एक ही नंबर है, रिपीट कोई नंबर नहीं करता अपने आप को। अगर दो की बात करें तो दो एक ही बार आता है, अगला 12 हो जाएगा, अगला 22 हो जाएगा, दो एक ही बार आएगा, अगला 20, 21, 22 हो जाएगा, लेकिन दो एक ही बार आएगा। तो कोई भी नंबर अपने आप को एक ही बार लाता है, दोबारा रिपीट नहीं करता है, इसलिए क्या होता है ये सिंगुलर होता है। जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, कोई न्यूमरल हो, कोई न्यूमरल हमारे सेंटेंस का क्या हो, सब्जेक्ट हो। न्यूमरल क्या हो गया, न्यूमरल मतलब नंबर, न्यूमरल क्या हो गया नंबर। तो जब कोई सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो हमारा न्यूमरल हो, तो क्या होता है हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब के साथ लेता है सिंगुलर, क्यों, क्योंकि वो एक ही बार आता है, गिनती द्वारा रिपीट अपने आप को नहीं करता। दो दो एक ही बार आएगा, तीन एक ही बार आएगा, चार एक ही बार आएगा, कोई रिपीट अपने आप को नहीं करता है। जैसे जैसे देखिए 10,000 आर ए विग अमाउंट 786 आर द बेस्ट नंबर। दो क्वेश्चन देखिए तो 10,000 10,000 की बात करूँ तो अगर मैं एक से 1,00,000 तक जाऊँ, या एक से इन्फाइनाइट तक जाइए आप, उसमें 10,000 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। अगला क्या हो जाएगा, 10,001, 10,002, 10,000 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, इसलिए क्या है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। 786 की बात करूँ तो 786 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्या हो जाएगा 787, 788, 786 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। जितने भी नंबर है वो क्या होते हैं सिंगुलर। तो अगर सिर्फ नंबर हमारा सब्जेक्ट हो, नंबर के साथ ध्यान दीजिएगा, नंबर के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा है, नंबर के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा, अगर सिर्फ नंबर हमारा सब्जेक्ट हो तो उस केस में नंबर भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर। नंबर का अमाउंट कितना भी रहे वो क्या हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। अगर कोई यूनिट सब्जेक्ट बने तो यूनिट सब्जेक्ट बनेगा तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। ये था नॉर्मल था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से प्रीवियस का क्वेश्चन कैसे करता है, नेक्स्ट रूल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा प्रीवियस का, इसको नोट कर लीजिए। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो न्यूमरल प्लस यूनिट, न्यूमरल प्लस यूनिट, अभी आप दोनों को बारी बारी से देखे थे, पहले देखे यूनिट को सब्जेक्ट बनाए, फिर देखे क्या आप न्यूमरल को सब्जेक्ट बनाए, दोनों को बारी बारी सब्जेक्ट बना लिए। अब जो 25 रूल है, अब दोनों को हम एक साथ ला दिए, उधर जो था यूनिट अकेले सब्जेक्ट बन रहा था तो कुछ भी हो रहा था, ऐसा था वैसा वर्ब ले रहा था वहाँ, तो फिर कि नेक्स्ट क्या था न्यूमरल अकेले सब्जेक्ट बन रहा था तो क्या था सिंगुलर था, लेकिन अब क्या है कि न्यूमरल प्लस यूनिट है, यानी कि न्यूमरल प्लस यूनिट अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा, यहाँ जो यूनिट होगा, यूनिट होगा जनरली जो एग्जाम क्वेश्चन करता है, या तो डिस्टेंस का रहेगा या फिर आपको यहाँ पर रुपी देखने को मिलेगा, डिस्टेंस का रहेगा या फिर आपको यहाँ पर रुपी देखने को मिलेगा। डिस्टेंस या फिर रुपी देखने को मिलेगा, आप डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, ये सब, या फिर रुपी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो न्यूमरल प्लस यूनिट, न्यूमरल प्लस यूनिट, तो ये न्यूमरल है, न्यूमरल क्या हो गया यहाँ पे नंबर, न्यूमरल को क्या कर सकते हैं नंबर, ये हो गया नंबर। तो जो यूनिट यहाँ पे आपका यूनिट जो है ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी रह सकता है नंबर के अकॉर्डिंग, ये नंबर के अकॉर्डिंग जो यूनिट है आपका सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, यूनिट नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, यूनिट जो है ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जनरली क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा।
वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। न्यूमरल प्लस यूनिट हमारा दोनों बन रहा है एक साथ सब्जेक्ट बना सेंटेंस का, तो नंबर जो हमारा जो न्यूमरल है इसके अकॉर्डिंग यूनिट जो है सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है। जैसा नंबर अगर वन है तो सिंगुलर मोर देन वन है, टू थ्री फोर फाइव तो क्या हो जाएगा प्लुरल, तो सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब क्या होगा हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है पूछने का एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, इन द मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न एज 20 miles are not a long distance to be covered। यह स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 miles are a long distance to walk। ये क्वेश्चन है पूछा हुआ टैक्स असिस्टेंट का। टेन किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ये क्वेश्चन है सेक्शन ऑफिसर का। देखिए तीन क्वेश्चन आपके सामने, पहला इन द मॉडर्न एज 20 miles, या देखिए 20 है तो यहाँ प्लुरल हो गया माइल्स, लेकिन वर्ब क्या हो गया हमेशा सिंगुलर। 10 miles या 10 है तो यहाँ हो गया माइल्स प्लुरल, सही है, लेकिन वर्ब क्या होगा सिंगुलर। 10 है तो किलोमीटर से प्लुरल, ये सही है, लेकिन वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे यूनिट के रूप में डिस्टेंस हो सकता है, रूपी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों से। तो यूनिट क्यों है नंबर के अकॉर्डिंग, न्यूमरल के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब क्या होगा सिंगुलर। इसको नोट कीजिए 25 नंबर को। पॉइंट है कि अगर न्यूमरल रहा, अभी पीछे क्या देखे थे कि न्यूमरल था और यूनिट था, ये हमारा सब्जेक्ट था, उससे पहले क्या पर दोनों को सेपरेट अलग अलग दोनों को सब्जेक्ट बनाए, पहला यूनिट को बनाया सब्जेक्ट, सेकंड में न्यूमरल को बनाया सब्जेक्ट, थर्ड में दोनों को बनाया सब्जेक्ट। अब क्या है कि न्यूमरल रहे यूनिट रहे और इस यूनिट के साथ यहाँ पे नाउन रहे, यहाँ पे क्या रहे नाउन है, और ध्यान दीजिएगा नाउन कौन सा होगा, ऐसा नाउन जिससे इसको इस ये जो यूनिट है, यूनिट क्या करता है मेजर करने का काम करता है, क्या करता है ये मेजर करने का काम करता है, तो जिसको ये मेजर करेगा वो यहाँ पे नाउन होगा, जिस नाउन को ये यूनिट जो है मेजर करेगा वो नाउन यहाँ पे रहेगा। तो अगर यहाँ पे कोई नाउन रहा, यहाँ पे कोई नाउन रहा, तो पीछे रूल क्या पढ़े थे कि पीछे रूल पढ़े थे हम लोग यहाँ तक न्यूमरल प्लस यूनिट का पढ़े थे रूल, ये नाउन नहीं था पीछे, पीछे क्या पढ़े थे रूल न्यूमरल प्लस यूनिट का रूल, यहाँ तक का रूल हम पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे कि जो न्यूमरल था इसके अकॉर्डिंग यूनिट जो है सिंगुलर प्लुरल हो रहा था, इस न्यूमरल के अकॉर्डिंग यूनिट सिंगुलर प्लुरल हो रहा था। बट अब यहाँ पे आ रहा है नाउन, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए सब्जेक्ट के रूप में, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में चाहे कहीं भी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा हो, ये न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन, तो इस केस में जो हमारा यूनिट है ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल हम नहीं बनाते हैं, इसका पुल्डल हम नहीं बनाते हैं। पुल्डल किसका बनता है, ये न्यूमरल प्लस नाउन का, ये न्यूमरल के अकॉर्डिंग नाउन जो है ये नाउन सिंगुलर पुल्डल काम करता है, किसके अकॉर्डिंग, ये नंबर के अकॉर्डिंग, अगर नंबर वन रहा तो नाउन सिंगुलर होगा, मोर देन वन रहा, टू थ्री फोर फाइव, तो नाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे पुल्डल, लेकिन जो हमारा ये यूनिट है वैसा क्या होता है सिंगुलर होता है। यूनिट में कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, यूनिट में कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा क्या है, न्यूमरल, न्यूमरल मतलब क्या हो गया, कोई नंबर हो, कोई नंबर
नेबुलर प्लस थ्योरी, थ्योरी क्या हो गया, जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं, या नाउन कौन सा आएगा जिससे इसको मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये यूनिट जो है जिसको मेजर करेगा ना वो नाउन यहाँ पे आएगा, तो ये नाउन हो गया। तो इस केस में अगर नेबुलर प्लस यूनिट प्लस नाउन आ जाए तो यूनिट को साइलेंट करना है, यूनिट को हमेशा क्या रखना है सिंगुलर, यूनिट में कोई छेड़खानी नहीं करना है। नाउन भले सिंगुलर प्लुरल होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग, नेबुलर के अकॉर्डिंग। अगर आप नाउन को हटा दीजिएगा, नाउन को हटा दीजिएगा तो फिर नेबुलर प्लस यूनिट का केस चलेगा, उस केस में यूनिट जो है सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग, बट अगर यहाँ पे नाउन आ रहा है तो यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा अब सिंगुलर, यूनिट कभी भी प्लुरल नहीं होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको पोजिशन ऑफ नाउन पढ़ा रहा था नंबर में, लेक्चर 4 शायद था नंबर का, उसे पोजिशन ऑफ नाउन पढ़ा रहा था, उसे बताया था मैं कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है ना नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वो क्या हो जाता है, हमेशा एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है एडजेक्टिव, जैसे क्लासरूम है तो यहाँ क्या हो गया क्लास, क्लास हो गया एडजेक्टिव, रूम हो गया नाउन। तो नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आए, नाउन के जस्ट पहले कोई वर्ड आए और नाउन को क्वालिफाई करो तो क्या हो जाता है एडजेक्टिव। उसी तरह ये जो हमारा यूनिट है ना यहाँ पे, ये यूनिट यूनिट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर देता है, ये यूनिट जो हमारा किसका काम कर देता है एडजेक्टिव का काम करता है, चूंकि किसके पहले है नाउन के पहले है, और नाउन के पहले क्या होता है एडजेक्टिव, नाउन के पहले क्या आता है एडजेक्टिव, तो जो यूनिट है ना ये एडजेक्टिव का काम कर देता है। और जो हम प्लुरल बनाते हैं ना वो नाउन का बनाते हैं ना कि एडजेक्टिव का, वो प्लुरल किसका बनाते हैं हम लोग नाउन का ना कि एडजेक्टिव का, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, कब जब इसके बाद नाउन आ जाए, नाउन ना हो तो यूनिट जो है नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लुरल कुछ भी सकता है जो पिछला रूल हम लोग पर है, बट अगर नाउन आ जाए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा, क्यों, चूंकि एडजेक्टिव काम कर देगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव का काम कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमेशा ये सिंगुलर। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ, ये जो नाउन है हमारा ये सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ये नंबर के अकॉर्डिंग, अगर नंबर 1 रहा तो ये सिंगुलर, मोर देन 1 रहा तो ये क्या हो जाएगा प्लुरल, लेकिन यूनिट हमेशा क्या होगा सिंगुलर। देखिए क्वेश्चन इसमें 2-3 चलिए एक स्ट्रक्चर और लिख लीजिए यहाँ पे पहले, उसका अलग क्वेश्चन, दोनों टाइप क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। 27 है, यहाँ पे एक न्यूब्रल है, अगर आपके सामने दो न्यूब्रल आ जाए एक साथ, ये न्यूब्रल रहा प्लस फिर एक न्यूब्रल आ जाए, फिर एक न्यूब्रल आ गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका यूनिट, फिर आ गया यहाँ पे नाउन, दोनों देखिए सेम ही है, बस अंतर ये है कि इसमें एक नंबर आ रहा था, एक न्यूमरल था, इसमें दो न्यूमरल आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी ये नाउन है, यहाँ पे नाउन के पहले क्या आ गया यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा हमेशा सिंगुलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर, इसमें कभी इसका प्लुरल हमें नहीं बना रहा है। हाँ, ये जो नाउन है ये सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, ये सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले अकॉर्डिंग, या रिलेशन चलेगा फर्स्ट टू लास्ट, जहाँ जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा कहाँ, फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ भी कहाँ बन रहा है फर्स्ट टू लास्ट, बीच वाला क्या रहेगा साइलेंट, फर्स्ट टू लास्ट, बीच वाला क्या होगा साइलेंट होगा, वही यहाँ पे दो न्यूमरल आपके सामने आ रहा है, तो इस केस में ये वाला जो न्यूमरल है, ये वाला न्यूमरल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन प्लुरल नहीं बनेगा, जो कि फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला, इसके अकॉर्डिंग आपका नाउन सिंगुलर या प्लुरल होगा। अगर यहाँ पे ए रहा तो सिंगुलर, एक ए से अधिक रहा हुआ 2, 3, 4, 5 रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लुरल, लेकिन यूनिट हमेशा क्या होगा सिंगुलर, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ये एकदम साइलेंट रहेगा, यहाँ पे ये भी कह रहेगा साइलेंट, इसके अकॉर्डिंग नाउन को कहीं प्लुरल नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे एक ही न्यूमरल था तो इस न्यूमरल के अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे दो न्यूमरल है तो जो पहला वाला इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो बीच वाला हमेशा साइलेंट रहेगा। रिलेशन कहाँ चलेगा, रिलेशन चलेगा फर्स्ट टू लास्ट, जो रिलेशन चलेगा इस केस में कहाँ चलेगा रिलेशन, फर्स्ट टू लास्ट, बीच वाला क्या हो जाएगा साइलेंट। अब देखिए क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों केस आ गया, अब क्वेश्चन बनाइए, पहले एक क्वेश्चन यही लिखते हैं, उसका इसको मिटाते हैं, उसका तो क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे आगे। He secured the first position. He secured the first position in a 100-meter race. In a 100 meters race, ये क्वेश्चन पूछा हुआ CPO मेंस का, CPO मेंस का क्वेश्चन है। It is a
थ्री इयर्स डिग्री कोर्स। ये क्वेश्चन है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। पहले दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ए 100 मीटर्स रेस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक न्यूमरल आ गया, ए भी एक न्यूमरल ही है। ए का मतलब क्या होता है, एक। यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, फिर 100 आ गया। अब यहाँ पे दो न्यूमरल आ रहा है, ए 100, यहाँ पे कर दिया मीटर्स। मीटर तो जा रहा है यूनिट है, मीटर क्या है हमारा यूनिट है, तो यूनिट में तो हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जब यूनिट के बाद आ जाएगा क्या चीज, नाउन, तो यूनिट क्या हो जाएगा हमेशा हमारा सिंगुलर। तो मीटर्स क्या होगा यहाँ पे, मीटर होगा। हाँ, मीटर्स नहीं होगा, क्या होगा, मीटर। यहाँ पे ए है इसलिए रेस क्या हो गया, सिंगुलर, जो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए। ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे मीटर्स दे होगा। इट इज़ ए 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। देखिए यहाँ पे पहले ए आ गया, एक न्यूमरल ए हो गया, दूसरा हो गया थ्री, ये दो न्यूमरल का केस आ गया, ठीक है, ए 3। यहाँ पे देखिए ईयर्स कर दिया, क्या कर दिया, ईयर्स। ईयर भी तो मेजरमेंट ही ईयर भी तो एक यूनिट है, ये सब टाइम को मेजर करते हैं, मंथ में, डे में, ईयर में, आवर में, सब क्या करते, टाइम को मेजर करते हैं। तो क्या हो गया, टाइम का एक यूनिट हो गया, क्या चीज़, ईयर्स। ईयर्स नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ईयर जाएगा, ए 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो इस केस में जो यूनिट है ना, पीछे पड़े थे कि यूनिट क्या रहा था, जनरली डिस्टेंस या रुपी क्या गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का हो सकता है, रुपी का हो सकता है, कोई मतलब यहाँ पर आपका वेट के लिए आ सकता है, ग्रॉस, डजन, आपका किलो, तो वेट के लिए भी आ सकता है, यहाँ पे टाइम के लिए आ सकता है, टाइम का भी, किसी का भी यूनिट हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि जो यूनिट हमारा है ये हमेशा क्या होगा, इस केस में सिंगुलर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईयर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान यही देना कि यूनिट के बाद नाउन आ रहा है अगर, तो यूनिट हमेशा हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। चाहे यूनिट वो टाइम का हो, चाहे यूनिट वो डिस्टेंस का हो, चाहे वो वेट का हो, चाहे वो करेंसी का हो, रुपी, कोई भी यूनिट हो, हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। ए 5 मैन इंक्वायरी कमेटी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द मैटर। टू लुक इन टू द मैटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एलडीसी का, एलडीसी का क्वेश्चन है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, डू यू हैव चेंज for a 500 rupees note। ये हो गया क्वेश्चन एलडीसी का। रिलेशन हमेशा फर्स्ट टू लास्ट चलेगा, बीच वाला सारा का सारा साइलेंट होगा। इन दिस डेज, in these days of inflammation, a 10 rupees note will not, why you even
एन ऑर्डिनरी मील, ये क्वेश्चन एलडीसी का पूछा हुआ है। हाउ मैनी टेन रुपीज नोट्स हैव यू गॉट, हैव यू गॉट क्वेश्चन मार्क, ये है सीपीओ का। देखिए चार क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट है ए फाइव मैन इंक्वायरी कमेटी, ये आगे क्या है वर्ब, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिलेशन कहाँ चलेगा फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। यहाँ पे देखिए दो न्यूमरल आ रहा है, तो पहला न्यूमरल को देखिए और लास्ट क्या है हमारा कमेटी, क्या है कमेटी, फर्स्ट टू लास्ट, बीच वाला जितना सब का सब साइलेंट होगा, बीच में कोई प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ फाइव दिया या दिया मेन, क्या कर देंगे मैन। यहाँ पे मैन सर ये भी मेजरमेंट का काम, ये भी यूनिट का काम कर रहा है, किसका यूनिट है ये कमेटी का, कमेटी में कौन होते हैं आदमी होते हैं। तो बोल रहा है कि एक पांच मेंबर, पांच आदमी का कमेटी, एक पांच आदमी का इंक्वायरी कमेटी, तो फाइव में यहाँ ए है, यहाँ क्या होगा कमेटी, यहाँ हो गया वर्ब सिंगुलर वाज, जो कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, लेकिन बीच वाला क्या होगा साइलेंट, यहाँ मेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन, बीच में किसी का प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि क्या कर देगा वो एडजेक्टिव का काम कर देगा। आई आस्क द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज नोट, देखिए ए 500 रुपीज नोट, इसमें देखिए तीन न्यूमरल आ गया, तीन, एक आ गया ए, एक आ गया फाइव, एक आ गया हंड्रेड, ठीक है रुपीज नोट। यहाँ पे रिलेशन कहाँ चलेगा फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ ए से चलेगा कहाँ नोट में, ए भी सिंगुलर तो हमारा नोट भी क्या है सिंगुलर, बीच वाला क्या होगा साइलेंट होगा, बीच वाला क्या होगा साइलेंट होगा, बीच वाला हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा, बीच वाले कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा रुपी होगा, LDC का था। इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ऑफ इन्फ्लेमेशन ए 10 रुपीज, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे 10, यहाँ पे दिया रुपीज, क्या हो जाएगा यहाँ पे रुपी हो जाएगा, ए 10 रुपीज नोट, यहाँ पे ए है सिंगुलर, यहाँ पे नोट है सिंगुलर, फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ बीच वाला क्या होगा साइलेंट, बीच वाला हम कोई छेड़खानी नहीं होगा। हाउ मेनी 10 रुपीज नोट, यहाँ देखिए मेनी है, मेनी है तो यहाँ पे नोट्स आ गया पुल्डल, ये तो सही है, फर्स्ट टू लास्ट नोट्स वाला पुल्डल है, ये सही है, लेकिन बीच वाला क्या होगा साइलेंट होगा, बीच वाला को हमेशा सिंगुलर रखना, साइलेंट रखना, इसको कोई छेड़खानी नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा रूपी। ये क्वेश्चन था आपका यूनिट को लेकर के क्वेश्चन था, देखिए नोट कीजिए इसको, रिलेशन हमेशा चलेगा फर्स्ट टू लास्ट, यूनिट को हमेशा सिंगुलर रखना है, इसके सिवा अगर यूनिट के बाद कोई डाउन आ रहा हो तो यूनिट हमेशा क्या होगा सिंगुलर, आपको रिलेशन चलाना है फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग लास्ट वाले का पुलर करना है, सिंगुलर करना है, बीच में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कुछ वर्ड्स लिख रहा इसको देखिएगा आप, स्कोर ग्रॉस डजन स्टोन हंड्रेड थाउजेंड लैक मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो जाएगा यहाँ पर, फिर फुट इंच एटीसी, ये सारे वर्ड्स को ध्यान से देखिए, आपके सामने है स्कोर ग्रॉस डजन स्टोन हंड्रेड थाउजेंड लैक बिलियन बिलियन, फिर आगे ट्रिलियन भी हो सकता है ट्रिलियन फुट, इतने सारे वर्ड है स्कोर क्रॉस डजन स्टोन हंड्रेड थाउजेंड लैक्स मिलियन बिलियन ट्रिलियन फुट इंच। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ ग्रॉस है, ध्यान दीजिएगा एक डजन में कितना होता है 12 होता है, और एक ग्रॉस इज इक्वल टू 12 दर्जन होता है, वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन होता है, ये भी पार्ट याद रखिएगा कि एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है, एक दर्जन में 12 होता है, कुछ भी से हम केला करते हैं तो एक दर्जन में 12 केला होता है, ठीक ना, तो एक ग्रॉस में 12 दर्जन केला होगा, तो एक ग्रॉस में क्या होता है 12 दर्जन होता है, वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि एक ग्रॉस बराबर क्या होता है 12 डजन 12 डजन।
अब ये सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, अब इसका दो केस चलेगा, दोनों को ध्यान से देखिएगा। पहला चीज़ देखिए, हम नंबर को दो तरह से यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एक डिफरेंट बनाकर यूज कर लेते हैं, एक इनडिफरेंट बनाकर यूज कर लेते हैं, एक डिफरेंट बनाकर के और एक इनडिफरेंट बनाकर के। दोनों केस को समझना होगा, दोनों के लिए एक अलग स्ट्रक्चर चलेगा। समझिए डिफरेंट क्या है, इनडिफरेंट क्या है। मैं बोलूँ मेरे पास 10 दर्जन केला है, ये डिफरेंट है कि 10 दर्जन है। मैं बोलूँ मेरे पास दर्जनों केला है, मेरे पास दर्जनों केला है, अब ये इनडिफरेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, इनडिफरेंट, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितना है। जो मैं क्या बोला, मेरे पास दर्जनों केला है, तो ये डिफरेंट नहीं है, क्या हो गया, इनडिफरेंट, क्योंकि कितना है ये मालूम नहीं है। लेकिन मेरे पास 10 दर्जन केला है, तो मेरे पास क्या हो गया, डिफरेंट है। कोई बोले कि मेरे पास 10 लाख है, और कोई बोले मेरे पास लाखों हैं, दोनों में अंतर है। 10 लाख के वो डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जब नंबर दे दिया तो क्या हो गया, डिफरेंट। तो डिफरेंट के लिए क्या चाहिए हमें, नंबर। अब मेरे पास बोलोगे कि मेरे पास लाखों हैं, अगर इसका मतलब क्या हो गया, ये इनडिफरेंट, चूँकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है। तो डिफरेंट और इनडिफरेंट दो केस चलेगा इसका। अगर नंबर दे दिया तो हो गया डिफरेंट, नंबर नहीं दिया तो क्या हो गया, इनडिफरेंट। दोनों का दो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कोई बोले मेरे पास 10,000 है, इसमें 10,000 यहाँ पर नंबर दे दिया 10, इसलिए हो गया 10,000, क्या हो गया, डिफरेंट। लेकिन बोले कोई मेरे पास हजारों है, तो क्या हो गया, इनडिफरेंट। इसका दो है, डिफरेंट रहा तो पहले आपको एक न्यूमरल मिलेगा, इसका सेम पीछे वाला स्ट्रक्चर रहेगा, न्यूमरल मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको यूनिट मिलेगा, और फिर यहाँ पे आपको नाउन मिलेगा। ये यूनिट कौन सा रहेगा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक यूनिट ही है, इसको ये भी क्या है, एक यूनिट ही है, ये सारा भी यूनिट ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको यूनिट आ गया, यूनिट आपका ये सब रहेगा। यहाँ पे ये सब जो केस देख रहे हैं, ये जो केस हमें लिख रहा है, दो केस डिफरेंट इनडिफरेंट का, ये सारा केस इसका है जो यहाँ आपके सामने है। तो इसका दो केस यूज करेंगे, एक डिफरेंट वे करेंगे, एक इनडिफरेंट करेंगे। डिफरेंट कब होगा, जब नंबर दिया रहे, नंबर दे दिया तो डिफरेंट, नंबर नहीं दिया तो इनडिफरेंट। मेरे पास 12 दर्जन केला है, उसमें 12 नंबर दे दिया है, इसलिए डिफरेंट है कि 12 दर्जन है, ये डिफरेंट निश्चित है। लेकिन मेरे पास दर्जनों केला है, मेरे पास दर्जनों केला, ये निश्चित नहीं है, इनडिफरेंट है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। तो अगर न्यूमरल नंबर दिया रहे, उसके बाद क्या आता है यूनिट, उसके बाद क्या जाए नाउन, तो अभी पीछे पर है इस स्ट्रक्चर को। इसमें यूनिट हमेशा क्या होता है हमारा, सिमिलर। यूनिट क्या होता है हमारा, सिमिलर। और नाउन क्या है, नाउन सिमिलर पुडल कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ये वाला नंबर जो है न्यूमरल, इसके अकॉर्डिंग। यही जो नंबर है, इसको क्या बनाता है, डिफरेंट। लेकिन जब इनडिफरेंट है, तो ये नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर रहा तो डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर यहाँ पे नहीं रहेगा इनडिफरेंट में। तो इस किस में आपको मिलेगा, पहले यूनिट, फिर मिलेगा आपको ऑफ, फिर मिलेगा आपको नाउन। यूनिट है, ऑफ है, और क्या है, नाउन है। यूनिट, ऑफ और नाउन है। इस केस में आपका यूनिट भी पुल्डल होगा और आपका नाउन भी पुल्डल होगा, दोनों पुल्डल होगा। ये है इनडिफरेंट का, ये है डिफरेंट का। आपके सामने दो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, ये रहा डिफरेंट का, डिफरेंट पर नंबर रहेगा दिया हुआ, न्यूमरल हो गया, यूनिट हो गया, नाउन हो गया, ये स्ट्रक्चर था डिफरेंट का। ये जब डिफरेंट का काम करेगा, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, जब इनडिफरेंट रूप में आएगा तो इसको फॉलो करेगा। इस केस में आपका यूनिट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर पुलर कुछ भी हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूमरल के अकॉर्डिंग। नंबर अगर 1 रहा सिंगुलर, 1 से अधिक रहा तो पुल्डल। लेकिन इनडिफरेंट केस में आपका स्ट्रक्चर ये वाला होगा, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पे नंबर आपको नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे नंबर नहीं दिया रहेगा। इस केस में आपका यूनिट भी पुल्डल होगा और नाउन भी पुल्डल होगा। अब दोनों को जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, ऑफ। यूनिट अलग हो गया, नाउन अलग हो गया, बीच में क्या आ गया, ऑफ। ये रूल तब अप्लाई करना है जब नंबर दिया ना रहे। अगर नंबर दे दिया, अगर नंबर इसके साथ दे देता है, तो यहाँ से आपको ऑफ को हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर दे दे, तो ऑफ को क्या करेंगे, फिर हटा दो, क्योंकि अगर नंबर दे दिया है तो इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर इसके साथ नंबर आपको दे दिया है, तो फिर इस रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि नंबर यहाँ पे है आपका, यहाँ नंबर नहीं है। यही दोनों डिफरेंस है, ये जो है डिफरेंट है, इसमें नंबर दिया हुआ, नंबर दिया रहे तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, नंबर ना दिया रहे तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। इसमें दोनों पुल्डल है, यूनिट पुल्डल है, नाउन भी पुल्डल है। इसमें सिर्फ नाउन सिंगुलर पुल्डल हो सकता है, यूनिट हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। ये दोनों स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। डिफरेंट कौन बनाता है किसी भी सेंटेंस को, डिफरेंट कौन बनाता है किसी भी यूनिट को, का नंबर जो है वही डिफरेंट बनाता है नाउन को। नाउन को डिफरेंट कौन बनाता है, नंबर। और नाउन को इनडिफरेंट कौन बनाता है, नंबर। अगर नंबर है तो डिफरेंट, नंबर ना है तो इनडिफरेंट। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं पे क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन इसको अपलोड करती कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आई हैव टू डजन्स पेंस, आई हैव टू
dozen of pens. I have dozen of pen. पहले ये त्रिकोण देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन देखेंगे। मतलब आई हैव टू डजन पेंस, इसमें देखिए नंबर दे दिया है टू। यहाँ पर टू क्या हमारा नंबर यानी कि न्यूमरल नाउन है। ये क्या है न्यूमरल नाउन है, यहाँ पे नंबर दे दिया। सर नंबर दे दिया तो किसे फॉलो करेगा, इसे। डजन देखिए, डजन यहाँ पे आपका दिया हुआ, डजन डजन है, डजन क्या है यूनिट है। जब नंबर दे दिया तो किसे फॉलो करेगा, इस स्ट्रक्चर को। इसमें क्या आएगा नंबर आएगा, नंबर के बाद क्या आएगा यूनिट, यूनिट वैसा क्या होगा सिंगुलर, या डजन होगा क्या होगा यहाँ पे डजन होगा, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए क्या हो जाएगा डजन, इसको फॉलो करेगा। और नाउन से वो नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, या टू है या क्या हो गया पेंस, ये सही है प्लुरल। यहाँ पे आकर आपको डजन, I have two dozen of pens. यहाँ पे देखिए टू आ गया, जब टू आ गया था क्या, टू क्या है न्यूमरल, जब न्यूमरल दे दिया तो किसे फॉलो करेगा, इसे, जो कि पीछे भी पढ़ चुके हैं। जब इसे फॉलो करेगा तो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है यूनिट, यूनिट क्या हो रहा है सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए यूनिट है, यूनिट क्या है सिंगुलर है, यूनिट क्या है सिंगुलर है, टू डजन है, सही है। क्या इसमें ऑफ आ रहा है, कहीं भी नहीं, यहाँ ऑफ नहीं आता, यहाँ से ऑफ को हटा देंगे हम। ऑफ आता है कहाँ, इंडिफरेंट केस में, जब नंबर ना दिया हो तो यहाँ से ऑफ को हटा देंगे। आगे नाउन क्या है पुल्लल है, यहाँ देखे टू, देखे नाउन पुल्लल, सही है। नेक्स्ट आई हैव डजन ऑफ पेन, अब देखिए डजन ऑफ पेन में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ, जब नंबर नहीं दिया तो क्या हो गया इंडिफरेंट, जब इंडिफरेंट तो किसे फॉलो करेगा, इसे, यानी कि यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, और ऑफ के पहले भी पुल्डल, ऑफ के बाद भी पुल्डल। यहाँ देखिए ऑफ है तो ऑफ के पहले भी पुल्डल और ऑफ के बाद भी पुल्डल। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना होगा आपको, ये डिफरेंट का है, ये इंडिफरेंट का है, सारा खेल एक नंबर का है। नंबर आया तो डिफरेंट, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, नंबर नहीं दिया तो इनडिफरेंट, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। यहाँ पे ऑफ के पहले भी पुल्डल, ऑफ के बाद भी पुल्डल, बट यहाँ पे क्या है यूनिट हमारा सिंगुलर है। इस केस पे यूनिट हमेशा पुल्डल होगा, इस केस में यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। हाँ नाउ सिंगुलर पुल्डल कुछ हो सकता है, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग। इसका आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन लिखते प्रीवियस का। एक ग्रॉस में कितना दर्जन होता है, 12 दर्जन, एक ग्रॉस में 12 दर्जन। ऐसे और देखिए आप, लाख जो होता है, लाख, लाख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी है लाख, दोनों में से कोई भी लिखिए दोनों चलता है। लैक भी लिखिए और ये भी लिखिए, दोनों में से कोई भी सही रहेगा, LAC लैक या फिर LAKS लाख। At the present rate of exchange, 14 dozens cost 3,000 rupees. 3,000 रुपीज, ये क्वेश्चन है CGLPT का। आवर ऑफिस बाय फाइव किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ। ये क्वेश्चन है MTS का। आई बाउट 4 dozen of mangoes. ये क्वेश्चन है सेक्शन ऑफिसर का। तीन क्वेश्चन देखिए, पहला एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 14 dozens कॉस्ट
3000 rupees सीजल का है। देखिए 40 यहाँ पर नंबर आपको दे दिया, जो नंबर दे दिया है तो क्या हो जाएगा डिफरेंट इसके यूनिट जो है हमारा यूनिट क्या होगा वैसा सिंगुलर या डजन होगा क्या हो जाएगा डजन हो जाएगा 14 dozen कॉस्ट 3000 rupees नॉन पुल्डल हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग बट आपका यूनिट क्या होगा सिंगुलर यहाँ हो जाएगा डजन। आवर ऑफिस बाय 5 kilograms ऑफ पेपर, यहाँ देखिए 5 है तो क्या हो गया डिफरेंट, चूंकि नंबर है तो क्या हो गया डिफरेंट, यहाँ ऑफ नहीं आएगा, ऑफ वाला चीज नहीं आया, क्या हो जाएगा ऑफ ऐसा टाइम पड़ेगा। सेकेंड आपका जो यूनिट है वो हमेशा क्या होगा सिमिलर होगा, यूनिट क्या होगा सिमिलर, तो यहाँ से आप ऑफ को हटा दीजिएगा और किलोग्राम से क्या कर दीजिएगा किलोग्राम हो जाएगा 5 kilogram paper यहाँ से आपको ऑफ को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट में नंबर दिया तो गया डिफरेंट में ऑफ का यूज नहीं करते और यूनिट हमारे साथ हमारा क्या होता है सिमिलर, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको किलोग्राम किलोग्राम ऐसा हटा दीजिए यहाँ से ऑफ हटा दीजिए। आई बाउट 4 dozen ऑफ मैंगोज, देखिए आप फोर आ गया क्या हो गया डिफरेंट, जब ये डिफरेंट है तो यहाँ पे पहला चीज तो ऑफ नहीं आएगा ठीक है। 4 dozen मैंगोज सही है क्योंकि यूनिट हमारा क्या है सिंगुलर, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा इस केस में, तो 4 dozen नॉन पुल्डर हो सकता है किसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग 4 dozen मैंगोज ये पुल्डर है सही है। ये आपके सारे क्वेश्चन है देखिए इसको, हम लोग पीछे रूल पढ़े थे याद कीजिएगा, 2 बार पढ़ लिए थे रिपीट भी हो गया था, फिश सीप डियर ऑफ स्प्रिंग इशू पॉपुलेशन ये सभी क्या था पाइस ये सभी क्या था अपने आप में सिंगुलर था अपने आप में पुल्लल था, इसमें हमें ऐसे यस नहीं लगाना पड़ता है अपने आप को सिंगुलर पुल्लल दोनों रूप में यूज करता है दोनों में सेम होता है। ये किस पढ़े थे ऐसा ही कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं, आपका हेडिंग है कि सम नाउन्स सम नाउन्स आर अनचेंज्ड Unchanged is singular or plural form, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या होते हैं अनचेंज होते हैं, उसमें परिवर्तित हम परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं किया तो उसके क्या होता है अनचेंज्ड होते हैं, जैसे Crossroads, series, species, aircraft, crew, salmon, corpse, और जो पीछे का था fish, sheep, डियर फिश पाइस ऑफ स्प्रिंग एसो पॉपुलेशन एटीसी, ये जितने वर्ड है आपके सामने ये सारे अपने आप पे ही सिंगुलर है अपने आप पे ही क्या है पुल्लल है, इसमें हमें एस या एस नहीं लगाना पड़ता है, इसका हमें पुल्लल नहीं बनाना पड़ता है, ये एक है तो सिंगुलर एक से अधिक है तो पुल्लल, ये फर्स्ट पॉइंट रहा आपका। ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो तीन रूल और देखिएगा, आपके सामने एक वर्ड है क्रॉस रोड्स, ऊपर में क्रॉस रोड्स याद रखिएगा क्रॉस रोड नहीं होता है क्रॉस रोड्स होता है, इसमें एस हमेशा लगा हुआ होता है, अगर आपको देख लो कहीं मिल जाए क्रॉस रोड क्या मिल जाए देखने को क्रॉस रोड यहाँ एरर कर दीजिएगा, क्रॉस रोड नहीं होता क्या होता है क्रॉस रोड्स होता है, इसमें क्या लगा होता है एस। उसी तरह से आपका याद रखिए कॉर्प से इसमें भी क्या लगा होता है हमेशा एस लगा होता है, पॉपुलेशन है या क्या होता है हमेशा हमारा इसमें एस हमें लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम कर जाता है। उसी तरह से आप देख लीजिए एक होता है हेडक्वार्टर्स इसमें नहीं है, एक होता है आपका हेडक्वार्टर्स, एक होता है कि आपका हेडक्वार्टर्स इसे भी देखिए एस लगा होता है, तो बिना एस का इसका यूज हमें नहीं करना हेडक्वार्टर नहीं करना, कहीं भी आपको देखा मिल जाए हेडक्वार्टर
अगर कहीं आपको देखने को मिले हेडक्वार्टर तो इरर कर दे रहा है, क्या होता है हेडक्वार्टर्स, इसमें एस लगा होता है, यहाँ भी एस लगा होता है, क्रॉस रोड्स होता है, हेडक्वार्टर्स होता है, कॉर्प्स होता है, इसमें क्या होता है एस लगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस लगा होता हो जाएगा पुल्लल, पुल्लल नहीं होता है, ये अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में क्या है पुल्लल है, एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो पुल्लल, इसमें हमें एस या एस नहीं लगाना पड़ता है। तो क्रॉस रोड नहीं करना, क्या करना है क्रॉस रोड्स, और हेडक्वार्टर नहीं करना, क्या करना हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन, देयर आर टू डेंजरस क्रॉस रोड where you turn left. There is a dangerous crossroads. There is a dangerous crossroads. All the police barracks of Patna are very old. क्रॉस रोड नहीं होता है, क्या होता है क्रॉस रोड्स, बैरक नहीं होता है, क्या होता है बैरक्स होता है, जो पुलिस बैरक होता है तो उसमें भी एस लगा होता है, पुलिस बैरक्स होता है, बैरक्स उसमें भी एस लगा होता है, बिना एस के नहीं उसका आता है। हेडक्वार्टर नहीं होता है, क्या होता है हेडक्वार्टर्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, ये क्या है अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में प्लुरल है सारा का सारा। लेकिन तो देयर आर टू डेंजरस क्रॉस रोड, यहाँ पे टू लग गया है, टू लगा तो अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में पुलल है, अपने आप में सिंगुलर है, कुछ छेड़खानी तो करनी नहीं है, लेकिन यहाँ क्रॉस रोड नहीं होता, क्या होता है क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड कोई वर्ड ही नहीं, क्रॉस रोड गलत है, क्या होता है क्रॉस रोड्स, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एस, होता है क्रॉस रोड्स, और अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में क्या है पुलल है। देयर इज ए डेंजरस क्रॉस रोड्स, ये तो सही है, ये तो सही है, यहाँ पे ए लगा हुआ क्या हो गया सिंगुलर, ये अपने आप में सिंगुलर हो गया, ये सही है क्रॉस रोड से, यहाँ पे एस वहां लग करके आएगा, सिंगुलर है चाहे प्लुरल है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द पुलिस बैरक ऑफ पटना आर वेरी ओल्ड, देखिए ऑल ऑल आ गया, यहाँ बैरक है, क्या बैरक होता है, क्या होता है वैसा बैरक्स होता है, इसमें एस लग कराता है, क्या होता है बैरक्स, यहाँ बैरक नहीं हुआ क्या हो जाएगा बैरक्स, और लगा हुआ ये क्या हो गया फिर पुलडल हो गया, लेकिन पुलडल ये अपने आप पे हो जाएगा, इस पर पुलडल बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप पे पुलडल हो जाएगा, तो जाएगा ऑल द पुलिस बैरक्स, यहाँ एस लग कराएगा हमेशा, बैरक्स ऑफ पटना आर, यहाँ आर पुलडल हो गया, सही है चूंकि ऑल लग गया पहले, तो जितने भी वर्ड जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। क्रॉस रोड्स होता है, कॉर्प्स में एस लगा होता है, सीरीज में एस लगा होता है, स्पेसिज में एस लगा होता है, बैरक्स में एस लगा होता है, हेडक्वार्टर्स में एस लगा होता है, पॉपुलेशन जितने भी वर्ड आपके सामने लिखा हुआ एयरक्राफ्ट क्रू ये सब अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में क्या है पुलडल है। रूल नंबर दे लीजिएगा नेक्स्ट, जो नंबर था आपका नेक्स्ट पॉइंट था